करते हैं और जैसे मशीन स्टार्ट किए हैं और मशीन स्टार्ट करने के बाद हम इसको पीछे के तरफ लेंगे और साथ आगे के तरफ ले जाएंगे मशीन, और आगे के तरफ ले जाने के बाद जैसे कि आप देखिए हमको ये मिट्टी का ढेर है उसको उठाना हमको, और ऐसे हम उठा लिए पीछे के तरफ लेने से। और इसको क्या करना है, फिर पीछे के तरफ से वो ऊपर के तरफ आते हैं और हमको इसको नीचे गिराना है, फिर मिट्टी को फैलाना है। तो हमको क्या करना है, उसको दाएं के तरफ धगा देना है, इससे क्या होगा जितने सारे हो गए सब गिर जाएगा इसमें से, और ठीक उसी के सामने बाएं तरफ लेने से वो लॉक हो जाता है, जो भी मटेरियल हो वो लॉक हो जाता है। लोडर का जो सिस्टम है वो आप देख लीजिए और जान लीजिए। लोडर को दाएं तरफ करने से हमको जो लोडर में जो मटेरियल होगा वो फैल जाएगा नीचे की तरफ, और उसको बाएं के तरफ लेंगे तो फिर वो बंद हो जाएगा, जो भी सामान होगा उसको बंद करना है तो वो बंद हो जाएगा, और पीछे के तरफ लेने से वो लोडर ऊपर की ओर चलेगा, और ठीक सामने अगर आगे की तरफ धकाते हम इसको तो वो नीचे की तरफ स्टार्ट करते हैं। देखिए मशीन स्टार्ट हो गया। रोड में चलाने के लिए सब बटन दिया गया है, यही इसका क्लच हुआ, ऐसे आगे के तरफ ले जाएंगे तो एक नंबर गियर लग जाएगा इसमें, और इसको हम आगे के तरफ धकाएं तो मशीन मेरा आगे के तरफ जाएंगे, और फिर पीछे के तरफ लेना है तो फिर पीछे के तरफ लेंगे तो वो पीछे की तरफ आएगी मशीन, आगे के तरफ हम धका दिए वो मशीन आगे के तरफ हो रहा है, और अगर पीछे हमको लेना है तो देखिए इसको पीछे की तरफ लेना है, इससे क्या होगा मशीन पीछे की तरफ हो जाएंगे। ये पैडल देख रहे हैं, ये पैडल है ब्रेक पैडल, सिंगल सिंगल पैडल होते हैं, सिंगल सिंगल ब्रेक है इसमें, और ये जो देख रहे हैं वो रेस पैडल है, इसको एक्सीलेटर बोलते हैं हम। इसको धकाने से मशीन आगे की तरफ चलता है, जितना रेस दबाई उतना पिकअप बनता है। तो देख रहे हैं यह है हैंड ब्रेक, इसको ऊपर के तरफ धकाने से वो हैंड ब्रेक लग जाता है, और इसमें इंडिकेटर भी है, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा ब्रेक हैंड ब्रेक है, अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं मशीन स्टार्ट कर दिए कि मेरा मशीन और आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा है, जब हैंड ब्रेक लगा हुआ हमसे मिस्टेक हो रहा है तब इसमें इंडिकेटर दिया गया, वो ऑटोमेटिक वो आवाज़ आने लगेगा, इससे हम समझ जाएंगे कि इसमें जो मेरा हैंड ब्रेक लगा हुआ है। इसको नीचे की तरफ डाल देंगे फिर वह मशीन आगे पीछे होना शुरू कर देगा।